अच्छा गया, उतना अच्छा नहीं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? वो टू। अच्छा गया। कैसे क्वेश्चन थे? अच्छा था, आसान था, उतना भी हार्ड नहीं था। क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम 46 होते हैं। कितना? 46। 12th बिहार बोर्ड के फर्स्ट सिटिंग का पेपर खत्म हो गया है। बायोलॉजी का पेपर था, मौजूद है देखिए एक बार बांकेपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और बाहर आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। आज 12th बिहार बोर्ड बायोलॉजी का एग्जाम था, हम पूछते हैं इनसे कैसा गया पेपर। बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? थोड़ा टफ था। अच्छा, आपको लगा कि इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ी वही आया? हाँ आया। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। कैसे क्वेश्चन थे? अच्छा था, आसान था, उतना भी हार्ड नहीं था। तो अच्छा स्कोर कर लेगी? हाँ। फिर कौन सा पेपर है आपका? फिजिक्स है। सैटरडे को है। तो क्या अच्छा मिल रहा है? मुझे बिहार बोर्ड का सुनने के लिए मिलता है बहुत टफ क्वेश्चन सेट किया जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एवरेज रहता है जो बुक में है। व्यवस्था की बात करें तो चीटिंग वीटिंग चल रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। थोड़ा सा भी हेल्प नहीं? नहीं थोड़ा भी नहीं जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जाम देकर आ रहे हैं बायोलॉजी का, और पेपर काफी सही गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पेपर बहुत सही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जितने भी बच्चे हैं जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देकर गई हैं, अब हम इनसे लगातार पूछेंगे कैसा पेपर गया और किस तरह के सवाल रहे। देखिए सेकेंड सेगमेंट के लिए, सेकेंड सिटिंग के लिए भी ये लोग यहाँ पे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के जितने ही बच्चे हैं 12th के वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और पेपर भी देखे आए हैं। कैसा गया पेपर? अच्छा ही गया। अच्छा ही गया पेपर। देखिए कि कितने बच्चे हैं जो भी मतलब कह रहे हैं पेपर अच्छा ही गया, और सेकेंड सेगमेंट के लिए भी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। क्वेश्चन किस टाइप का था? अच्छा ठीक था। ठीक था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या? उसी का। अच्छा कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम 46 होते हैं। कितना? 46। फीमेल में कितने होते हैं? फीमेल में होते हैं 44। फीमेल में 44 होते हैं। दो क्रोमोसोम का नाम बताइए। दो क्रोमोसोम का पेपर अच्छा गया? देखिए पेपर अच्छा गया है और दूसरे पेपर के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो छोटे के लिए गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो एग्जाम गया कैसा गया एग्जाम। मैम हम क्या मैम कितने तरह अच्छे से आपकी बच्ची तैयारी की? बहुत अच्छे से एग्जाम हो गया। अच्छे से एग्जाम हो गया? बिल्कुल अच्छे से एग्जाम हो गया। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, उतना अच्छा नहीं। आपका? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तो सवाल पूछ सकते हैं? नहीं पूछ लेते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं? तो अभी ये सब नहीं पता, अभी आउट ऑफ माइंड जा रहा है सब। क्रोमोसोम कितने होते हैं? वो टू। सलमा का है? कौन कौन से होते हैं? सलमा का वो चली गई। कौन कौन से होते हैं? पेरेंट्स वेट कर रहे हम जा रहे थे। तो देखिए जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जिनके भी एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम कुछ का कहना है अच्छा गया और कुछ का कहना है कि पेपर ठीक ठाक था, इजी था। तो देखने रहेगा रिजल्ट क्या कुछ आते हैं। बने रहेगा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वे।